हेलो दोस्तों, पीटीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए एक लेक्चर और लेकर आया हूँ इंग्लिश ग्रामर का, है ना। जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम हो या फिर एमपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो या फिर कोई महाराष्ट्र बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड हो या सीजी बोर्ड हो, दोस्तों सबके लिए कॉमन है इंग्लिश ग्रामर। तो आपको पता है कि मैं इंग्लिश ग्रामर का कॉमन क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन लेकर आता हूँ। और ये जो क्वेश्चन आज लेकर आया हूँ, ये पूरे 2022 में पूछा गया है एमपी बोर्ड में, 2022 में पूछा गया है एमपी बोर्ड में, ठीक है। कोई भी स्टेट बोर्ड हो या फिर कोई सीबीएसई हो या फिर एनसीईआरटी हो, सब में ग्रामर सेम रहता है दोस्तों। तो अगर आप मिक्स्ड क्वेश्चन के, आप कम से कम नहीं तो 15 सीरीज बन चुका है दोस्तों, अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो जाइए प्लेलिस्ट में और उसे देखिए, फिर इसे देखिए। और एक बात और बताना देना चाहता हूँ, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसमें, फिल इन द ब्लैंक्स, है ना, और हमको चूज करके इसको भरना है, ठीक है दोस्तों। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है दो चार क्वेश्चन आपके पास आ जाए। चलिए पहला क्वेश्चन है, बी डैश टू सर्व आवर नेशन। अब देखिए, बी डैश टू सर्व आवर नेशन मतलब चाहिए, तो सुड होता है एक, में तो नहीं होगा, और ऑट होता है। तो सुड और ऑट का अर्थ क्या निकलता है, और मस्ट का चाहिए के अर्थ में। तो यहाँ पे हम सुड तो नहीं लगा सकते, तो सबसे सुटेबल क्या आ जाएगा, ऑट। ऑट किसी रिस्पेक्टफुल के लिए लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा, बी ऑट टू सर्व अवर नेशन, है ना। हमें अपने नेशन को रक्षा करना चाहिए, सर्व करना चाहिए, ठीक। बी नंबर डैश, आई कम इन द क्लासरूम सर। आप सबको बच्चे को पता होगा, है ना, वो जो फर्स्ट क्लास में पढ़ता हो तब भी वो बोलेगा बच्चा कि मे आई कम इन द क्लासरूम सर, तो यहाँ क्या आ जाएगा, मे आ जाएगा। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। मे क्या है, पॉसिबिलिटी बताने के लिए मे का यूज़ किया जाता है, है ना, आदर और रिस्पेक्टफुल करने के लिए मे का यूज़ किया जाता है, ठीक। और बताऊँ, कैन का यूज़ कब होता है, आप या मेंटल या फिजिकल एबिलिटी बताने के लिए मे का, कैन का यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, नीड, जब आपकी ज़रूरत हो तब, ठीक है। चलिए सी नंबर क्वेश्चन है, दे डैश फुटबॉल इन द इवनिंग। जैसे हम बोलें कि वे शाम को क्या खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, शाम को फुटबॉल खेलते हैं। अब ये क्या जाएगा, किस में चला जाएगा, सिंपल प्रेजेंट में चला जाएगा दोस्तों, कि दे डैश फुटबॉल इन द इवनिंग। तो ये इवनिंग आ गया, तो हम क्या लगा देंगे, प्ले लगा देंगे, क्योंकि दे के साथ, दे क्या है, प्लूरल है, और प्लूरल के साथ क्या आता है दोस्तों, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो प्ले आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, दे प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग, प्लेस नहीं होगा, प्लूर सिंगुलर के साथ प्लेस लगता है, प्लेइंग कब आएगा, जब आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब रहेगा, चलिए आईएनजी रहेगा। डी नंबर क्या है, आई हैव बीन हियर डैश मंडे। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या लगा हैव बीन, तो ये किसका हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हो गया। तो दोस्तों फॉर आएगा, सिंस आएगा, टू आएगा, तो मैं आपको बता दूँ इसकी कहानी। देख लीजिए सिंस कब लगता है, ये देख लीजिए, सिंस कब लगेगा, जब आपके पास पॉइंट ऑफ टाइम हो, क्या हो, पॉइंट ऑफ टाइम। और फॉर कब लगेगा दोस्तों, जब क्या हो, ड्यूरेशन, क्या हो, ड्यूरेशन, है ना। ये आप इनमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, फॉर के साथ ड्यूरेशन और सिंस के साथ पॉइंट ऑफ टाइम। तो मंडे क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है, है ना। अगर आ जाता चार घंटे पाँच घंटे, तो हम क्या लगा जाते, फॉर लगाते। तो अभी यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, सिंस आएगा, सिंस मंडे, है ना। आई हैव बीन हियर सिंस मंडे, मैं कब से यहाँ हूँ, मंडे से यहाँ। ई नंबर देखिए, आई एम नॉट अफ्राइड डैश डेथ। ऑन है, ऑफ है और ऑफ है। तो देखिए ए ऑन चालू करने वाला और ए ऑफ बंद करने वाला, तो दिमाग लगा के आप लिखा सकते हैं ऑफ। और एक चीज बताऊं, ऑफ अफ्राइड ऑफ, ये क्या है, फिक्स्ड प्रीपोजिशन है कि अफ्राइड के साथ ऑफ आएगा ही आएगा। तो आई एम नॉट अफ्राइड ऑफ डेथ, है ना, मैं मरने से नहीं डरता हूँ। जैसे आप बहुत, है ना, आप लोग करतबबाजी दिखाते हैं गाड़ी में, बोलते हैं आई एम नॉट अफ्राइड ऑफ डेथ, है ना, मैं मरने से नहीं डरता हूँ, ये हो जाएगा। एफ नंबर, लुक डैश यू लीप। अब देखना है क्या, लीप बिफोर क्या जाएगा, लुक बिफोर, लीप बिफोर यू लीप, ठीक। अब आ जाएगा जी नंबर दोस्तों, ही हैज डैश वन रुपी नोट। अब बताइए ए एन द आएगा, क्या आएगा इसमें, ए एन द, ए एन द चूज करना है। अब देख लीजिए क्या आ रहा है, वा, वा से साउंड, वन, वन आ रहा है, मतलब का से कहाँ तक, ज्ञा तक आएगा साउंड, तो ए लगाना है। आ से आहा तक आएगा साउंड, तो ए एन लगाना है। और किसी दूसरे नाउन को दूसरी बार रिपीट किया जाए या दूसरी बार बात किया जाए तो द आता है दोस्तों, या कोई स्पेसिफिक हो या यूनिवर्सल हो, तो इसमें क्या आ जाएगा, ही हैज
1 रुपी नोट। तो दोस्तों ये आपके लिए सात है ना, सात हैं। तो देख लीजिए ये 2022 में आए हुए क्वेश्चन हैं, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने कॉपी में लिख लीजिए दोस्तों, और फिर से रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, है ना, एमपी बोर्ड में, सीबीएसई में या सीजी बोर्ड में। तो दोस्तों आपको पुनः याद दिला दूं कि आप अपने चैनल पीटीसी क्लासेस में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।